जनाबे आली, तो आप अगर एक टॉक्सिक सिनेरियो में हैं, पैटर्न में हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो, दोस्त हो, कई लोगों को आपने सुना होगा ना ये कहते हुए कि यार मुझे तो दोस्त ही हमेशा धोखा देते हैं, मुझे लोग ही हमेशा गलत मिलते हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। एक सवाल जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। नौशाबा के अगर मुझसे कोई मेरी दोस्त मशवरा मांगे तो मैं बड़ा ऑब्जेक्टिवली उसको कहूंगी कि यार ये तुम्हें सिनेरियो कंटिन्यू करना चाहिए, ये जॉब कंटिन्यू करो, ये रिश्ता कंटिन्यू करो या ना करो। लेकिन यही बात जब हमारे अपने ऊपर आती है, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हम बहुत सारे रीजंस बना लेते हैं एक रिश्ते को या एक सिचुएशन को कंटिन्यू करने के, वहां हम फैसला नहीं ले पा रहे होते। इस पे क्या बात कहेंगी कि अगर एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, अनहैप्पी कर रही है आपको, आप मुतमईन नहीं है, आप खुश नहीं है, लेकिन आप फैसला भी नहीं ले पा रहे, क्या करना चाहिए? सिद्रा, सबसे पहली बात, आप कॉग्निशन क्या है, हाउ कॉग्निशन है, हाउ यू सी परसीव एंड इंटरप्रेट थिंग। आप ये सोचे कि कंप्यूटर एक एनालिसिस निकालता है, इसी तरह ब्रेन निकालता है। अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए तो उसका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, इसी तरह कॉग्निशन डिस्टर्ब होती है जिस वक्त आपके, सपोज अभी मोहब्बत की बात आप कर रहे थे, तो ऑक्सीटॉक्सिन एक एंजाइम है, मैं सोचती थी लोग अंधे कैसे हो जाते हैं मोहब्बत में, वही एंजाइम है जो सिक्रीशन होती है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिक के अंदर होती है, और इंसान उस वक्त समझने बूझने में नहीं रहता, अंधा हो जाता है प्यार में। इसी तरह कॉर्टिजोल या स्ट्रेस हार्मोन भी या एंजाइम भी आपकी कॉग्निशन डिस्टर्ब करता है। अब जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात है, मुनाफिकत कहते हैं इसको, कि हम अपने लिए आसान अल्फाज में बात करें जो हमारे लोग समझे। आप कह रहे हैं भाई रोजे रखो, नमाज पढ़ो, बच्चों को भी वालदैन कह रहे होते हैं झूठ ना बोलो, और फोन आएगा कह दे अब्बा कर नहीं। ये वाली जो बातें हैं ना, ये चीजें हमने सोसाइटी को मुनाफिकत सिखा दी है, और ये किसका काम है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो। अच्छा, इसी चीज को अगर हम इस एग्जांपल पे लेके आ जाएं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट्स के, खवातीन के हुकूक के एडवोकेट्स बनते हैं, आप कभी उनके घरों में झांककर देखें वहां पे क्या उन्होंने दोहरा रवैया अपनाया हुआ होता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखे, आप पहली बात ये समझे इसको सिद्रा, अगर हम सम अप भी करना चाहें इस कंक्लूजन को, डिस्कशन को, तो मेरे ख्याल में हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, हमारे पास किताब है, हमारी दीनी किताब कुरान पाक, हमारे पास हमारे रोल मॉडल्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, हमारे पास हमारे रोल मॉडल्स, मेरे ख्याल में हम इन सारे लोगों को। बिल्कुल सही नौशाबा जी, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कभी कभार, बिकॉज आई एम ऑलवेज वेरी माइंडफुल कि मेरी ऑडियंस डाइवर्स है, मेरी ऑडियंस में यकीनन वो लोग भी होंगे जो यू नो मे बी दे बिलोंग टू अ रिलीजियस माइनॉरिटी एंड दे डोंट बिलीव इन द सेम सेट ऑफ वैल्यूज, लेकिन एक आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने लिए वैल्यूज का इंतखाब करें एंड लिव टू योर ऑनेस्ट एंड ट्रू वैल्यूज। कोई भी रिलीजन आपको इंसानियत का सबक देता है, बिल्कुल इंसानियत, और उसमें रिलीजन हमारे पास तो सब लोग आते हैं, तो आप ये तो नहीं कहते कि आप इस जमात से, मैं आपका इलाज नहीं करूंगी, या आप देखिए दीन जो है हमारे समझ, बिकॉज ये लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, डिसीजन मेरी डिस्कशन दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। समझ मुझे ये बताइए कि जब आप मुश्किल फैसला लेते हैं और आपको पता है कि आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, उस वक्त अपने आसाब को स्ट्रांग कैसे करें? यानी कई लोग कहते हैं ना भाई ये डिसीजन लिया है, उसके बाद जो तूफान बदतमीजी उठना है, जो तनकीद होनी है, जो आपकी किरदार कुशी होनी है, ये तो आपको पता ही था, तो अब आप इस पर कंप्लेन ना करें। उस वक्त स्टैंडर्ड्स को हाई कैसे रखा जाए और एक बेसिक डिसेंसी को अपने लिए कैसे डिमांड किया जाए? बात करता हूँ कि मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊँ। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे पैर में भी मसल्स हैं, हाथ में भी मसल्स हैं, चेस्ट पे मसल्स हैं, आई थिंक पूरी बॉडी में मसल्स हैं, और जिनको मैं प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स जिन पर कोई बात नहीं की जाती, उसे मेंटल मसल्स कहा जाता है। जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेशन मेंटल मसल, विल पावर मेंटल मसल है। अगर आप कोई मुश्किल फैसला लेना चाहते हैं, उसे सस्टेन करना चाहते हैं, और दूसरों की बातों से अवॉइड भी करना चाहते हैं, दूसरे अजम्पशन जजमेंट दे रहे हैं, तो आपको अपने मेंटल मसल्स पर काम करना पड़ेगा, यानी आपको अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, खासतौर पर विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू रियलाइज योर एनर्जी इज लिमिटेड। सिद्रा, आपने हर फैसला नहीं लेना, डिसीजन फटीक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिव्यू कह रहा है कि लोग गलत फैसले क्यों लेते हैं, बिकॉज हर इंसान के पास एक लिमिटेड ताकत है सही फैसला करने की। फॉर एग्जाम्पल 5 बजे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट शो है, तो मैं आज यहाँ
मास्क कम लगाऊंगा। कल मैं ट्रेनिंग स्कूल में करा रहा था, वहां माइक नहीं चल रहा। मैंने कहा सॉरी मैं ट्रेनिंग नहीं करा सकता जस्ट बिकॉज अगर मैं यहाँ जोर लगा दूंगा तो मेरी जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है वो मिस आउट हो जाएगी। आई थिंक दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि आपके पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज, मेंटल स्पेस है। आप किस चीज को कितनी फोकियत दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, ये बड़ा अहम होगा। और क्या आपका एक डिसीजन यानी किसी एक हिस्से पे फोकस करना आपको दूसरे हिस्सों से अलग कर रहा है। तभी जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाता है, कई लोग कहते हैं ना कि भाई शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन अगर आप पे घरेलू जिम्मेदारियां भी हो, एक नए रिश्ते की बुनियाद रखने की जिम्मेदारी भी हो, तो उस वक्त आप अपने आप को कितना स्प्रेड आउट करेंगे। दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। ख्वाजा साहब एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उसके बाद आखिरी सवाल आपसे ये करूंगी कि कई लोग कहते हैं कि जी मैं दिल से फैसला लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं दिमाग से फैसला लेता हूँ, इन दोनों में फर्क क्या होता है और कौन से फैसले ज्यादा पायदार होते हैं? लेकिन पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। इसके अलावा इकबाल का शेर है जी, लाजम है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। क्या बात है, अकल को या दिल को? अकल को। किसको तनहा छोड़े पहले वो बताएं। दिल को। बिल्कुल ठीक है। एक ये आपके अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, किस कौन सी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। आखिरी कॉलर जी हमारे शो के आज, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ जी। दानियाल क्या कहेंगे? बस इतना ही कहना है कि ये जो खवातीन हजरात है वो किचन में अच्छे। आई एम सॉरी आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा इन्होंने कहा खवातीन कुछ, उसके बाद मुझे समझ नहीं आया क्या बात कही है इन्होंने। किचन में ही अच्छी है, मुझे तो किचन में ही अच्छी है। ये इन्होंने फैसला सारी खवातीन के लिए और कुर्रा है उस पर बसने वाली तमाम लेडीज के लिए ले लिया है। आई डोंट नो हु मेड हिम मॉनिटर, लेकिन लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। किचन में अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल सही है, किचन किचन। और मर्द हजरात के बारे में इन्होंने अपने अपने अखवाले जरिए हमें नहीं दिए अभी, लेकिन बहरहाल जी समझ क्या समझते हैं आप, ये जो ये भी एक कंडीशनिंग है, ये जो फैसला सादर कर देना है अनफॉर्चुनेटली, जिसको हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर पेट्रियार्कल टेंडेंसीज मौजूद हैं, तो ये आप मैनस्प्लेनिंग खवातीन के लिए फैसला लेना काफी सिचुएशंस में तो यू आर अ केयर टेकर एंड एन अथॉरिटी फिगर, लाइक अगर बच्चे छोटे हैं तो फादर लेता है डिसीजन, लेकिन हर सिचुएशन में ये अप्लाई करता है? फमुल्ला सदरा ने लिखे वो पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ सदरा की औरत जो है ना वो वाकई में बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। इनफैक्ट अगर मैं रिलीजियसली भी बहुत सी एग्जाम्पल है, प्रॉफिट जो है अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे जब वो घर में आया करती थी। बट द पॉइंट इज दैट कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट वी क्रिएट अवेयरनेस ऑन सच पॉइंट्स, एंड प्लीज जजमेंट ना दें किसी भी मौजू के लिए जब आप किसी बारे में जानते ही नहीं है, आपने औरत को समझा ही नहीं है, औरत को पढ़ा नहीं है। खाना बनाने के लिए समझा दुनिया में ना प्रोफेशनली बात लगती है कि जब हम फैसलों की बात कर रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे फैसले मॉरल पुलिसिंग से लिंक्ड है, और उसमें कहीं ना कहीं एक तबके ने सोसाइटी के ये सोच लिया है कि ये फैसले हमारे लेने के हैं और ये इंक्लूसिव फैसले नहीं है। खास तौर पे जिनके लिए फैसला लिया जा रहा है उनको इस अमल में शामिल नहीं किया जाता, और खास तौर पे मुझे लगता है कि ये पावर स्ट्रगल भी है। क्या कहेंगे ख्वाजा साहब, हालांकि बहुत लंबा मौजू हो जाएगा, लेकिन जो भी वल्नरेबल तबके हैं, चाहे माइनॉरिटीज हों, खवातीन हों, एथनिक माइनॉरिटीज हों, रिलीजियस माइनॉरिटीज हों, ऐसा लगता है कि हम समझते हैं हमने उनके लिए फैसले लेने। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि हम जब अपने उस पे सीट पे या पावर पे बैठे होते हैं समझते हैं सिर्फ हमने डिलीवर करना है और तो किसी के बस में है नहीं, और हम अपनी दानिश और अपनी दानिश के मुताबिक कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली बहुत बहुत शुक्रिया नौशाबा हमारे साथ मौजूद थी, समद एंड ख्वाजा साहब। डिफिकल्ट टॉपिक था जी, बिकॉज फैसले कई नौयत के होते हैं, आपके पर्सनल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, हुकूमती रियासती फैसले भी होते हैं, और आपका रोल हर सिचुएशन में बदलता चला जाता है, लेकिन अहम यह है कि आप अपने फैसलों को थोड़ा सा जांचना शुरू करें, ये समझना शुरू करें कि ये फैसला आप पॉपुलर फैसला ले रहे हैं जिससे आपकी जात को फायदा होगा या वो जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं इस फैसले में उनको फायदा होगा, और ये चीज अप्लाई कर सकती है आपके बतौर एक ओहदेदार के फैसले लेने में भी, या फिर अगर आप अपने घर में किसी बच्चे की शादी भी फिक्स कर रहे हैं तब भी वो फैसला आप अपनी अना के लिए ले रहे हैं या उसकी खुशनुदी के लिए ले रहे हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड द डिस्कशन टुडे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।